हाय फ्रेंड्स, मैं दिव्या अमीन डीडी केक्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे चॉकलेट गनाश विद डार्क चॉकलेट, जो डीडी केक्स की स्पेशल रेसिपी है। और इसमें हमें चाहिए 250 ग्राम्स अमूल फ्रेश क्रीम, डार्क चॉकलेट जो मैंने मॉर्डे यूज़ किया हुआ है वो हमें चाहिएगा 200 चॉप्ड चॉकलेट। इसमें हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, प्लस एक रहेगा हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। चॉप चॉकलेट को हमें मेल्ट करना है 30 सेकंड के लिए अवन में। 30 सेकंड के बाद हमें इसको हिलाना है चम्मच से, स्पून से धीरे धीरे मेल्ट करना है। अगर नहीं हुआ है तो हम फिर से इसको 30 सेकेंड ही रखेंगे, एक साथ 1 मिनट नहीं रखेंगे, नहीं तो ये चॉकलेट जल जाएगी। देखिए हम इसको मिक्स कर रहे हैं, ये मेल्ट हो चुकी है। अब हम अमूल फ्रेश क्रीम को एक बर्तन में निकालेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे गरम करना है इसको। 250 ग्राम पूरा यूज़ करेंगे और 200 ग्राम मॉडे चॉकलेट लेंगे। धीरे धीरे चलाते रहेंगे अमूल क्रीम को, ये बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है और इसको उबाल नहीं लेना है। फ्रेंड्स ये ज़रूर याद रखिएगा, इसका उबाल नहीं लेना, हल्का सा गर्म करना है। जैसे ये स्टीम बाहर आने लगे, आपको फील हो कि ये गर्म हो चुका है, तो हम इसको मेल्टेड चॉकलेट में डाल के मिक्स करेंगे धीरे धीरे वन साइड। जैसे हम वन साइड इसको हिलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, ये अपना कलर बदल लेगा। देखिए अच्छा सा कलर बन के बाहर आ रहा है। इट्स लुक्स नाइस। चॉकलेट लवर्स, डू यू वॉन्ट टू ईट? फ्रेंड्स अब बारी है सीक्रेट इंग्रेडिएंट की। चॉकलेट गनाश को शाइन देना है ना न्यूट्रल जेल के साथ। न्यूट्रल जेल 1 टीस्पून डालेंगे जिससे अपना गनाश शाइन लेगा। बस 1 टीस्पून न्यूट्रल जेल और आपके चॉकलेट गनाश को मिलेगी एक्स्ट्रा शाइन। इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये हो गया रेडी हमारा परफेक्ट शाइन चॉकलेट गनाश। अब ये गनाश आप आपकी केक्स, चॉकलेट्स और आइसक्रीम में भी यूज़ कर सकते हैं। टाइम फॉर अ टिप। अगर आपको न्यूट्रल जेल यूज नहीं करना है तो आप 1 टीस्पून बटर पर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।